नमस्कारम। जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं आपकी बात करवाऊंगा घुटनों की प्रॉब्लम जिन मैया को थी, और इन्होंने आयुर्वेद का ट्रीटमेंट करा और इनको बहुत आराम है। बहुत क्या, लगभग आराम है। तो कितनी देर लगी, क्या औषधियाँ दी, क्या थी इनकी तकलीफ, ये सारा आप इनसे एक बार रूबरू होकर के सुन लीजिए, ताकि जिनको भी समस्याएं हैं इस तरह की उनको मेरे पास ना आना पड़े। वो आसपास किसी छोटे मोटे क्लिनिक में जा करके अपनी जो भी डायग्नोस करा के समस्या देख के पूरा किसी वैद्य की मदद लेके थोड़ी बहुत तो ये दवाइयां शुरू कर सकते हैं। आइए बात करते हैं। सामने हमारे मैया बैठी है। क्या नाम है मैया? सुनील सपड़ा। शीला? हाँ जी, शीला। शीला, क्या दिक्कत थी मैया? तो बहुत दिक्कत थी घुटने, तो डॉक्टर ने बताया था कि घुटने चेंज करवाने हैं। घुटने चेंज करवाने हैं सर डॉक्टर? 15 साल से दर्द थी। कहाँ से आई हो? सहारनपुर से। 15 साल से घुटनों में दिक्कत थी। कितनी दर्द? बहुत दर्द बेटा, बहुत दर्द। अच्छा, बस अब बिल्कुल ठीक है, बस इतना हिस्सा जरा रह गया, बाकी मुझे इतना हिस्सा कौन सा रह गया? ये बस हल्का सा यहाँ। कितना दर्द है यहाँ? दर्द नहीं। हाँ, दर्द तो बिल्कुल है ही नहीं। क्या है? बस मतलब जैसे ज्यादा दिक्कत थी ना, तो उसमें खड़े होने में या चलने में थोड़ी दिक्कत है, वेट ज्यादा है, बाकी वैसे मेरा सब कुछ ठीक है। नींद ठीक आने लगी है, बवासीर ठीक है, भूख लगनी ठीक है, मतलब मुझे बुखार आता था वो भी ठीक है। अच्छा, बुखार भी आता था? बुखार बहुत रहता था ना, हर समय रहता था, कमजोरी महसूस होने, वो भी ठीक है। हाँ, बस सब कुछ ठीक है मेरा, तो बस मालिक की दया से। मैं तो सर्दी में सर्दी, गर्मी में गर्मी लगती थी। हाँ, बस मैं पहले पंखे के बिना सो नहीं सकती, पंखे के नीचे नहीं सोती थी, अब बिल्कुल पंखे के नीचे सोती हूँ, सिर्फ मैं ढक्के बिना नहीं सोती थी। अब कोई जरूरत नहीं, अभी तक तो नहीं बोली मुझे। मुँह में खट्टा पानी आता था? वो भी नहीं आता, वो भी नहीं आता। कितनी देर दवाई करी आयुर्वेद की? बस 5 महीने हुए जी। 5 महीने लग गए ना? 5 महीने। हाँ, मेरे पास ऐसे आप जैसी कई आती हैं लोग, कई लोग आते हैं, 15-20 महीना करते हैं, 1.5 महीना करते हैं, हिम्मत हार के भाग जाते हैं। 5 महीने में मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई मैंने तो, मुझे कभी कुछ है ही नहीं। अब तो मैं ये सोचती हूँ कि मुझे बिल्कुल नहीं, जोड़ों का दर्द में आराम है ना, बिल्कुल है ही नहीं दर्द बेटा। हाँ, जो आपने टेबलेट दी थी दर्द की, हाँ, वो मैंने 1.5 महीने में 3 टेबलेट खाई है सर, दर्द की गोलियां ना, आयुर्वेद की, हमारी पेन किलर आता है उसको मैंने प्रसारण्य आदि, तो वो मैंने इनको बोला था जरूरत पड़े तो लेना। हाँ जी, जरूरत पड़े तो तब नहीं, नहीं ली मुझे। 3 टेबलेट ली है मैंने, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत थकावट, समझ लो थकावट जैसे हो जाती है, या कुछ ज़्यादा खड़ी हो गई भाई काम में, तो तब मैंने वो लिया है, और 15 मिनट में मैं टेबलेट लेने से ठीक हो जाती। अच्छा, डॉक्टरों ने बोला था घुटने बदलवाओ, अब कितना चल लेती हो मैया? बस चलना तो वेट ज़्यादा ना, तो ज़्यादा आपने भी मना किया था, मैं चलती नहीं ज़्यादा, ज़्यादा 12 बजे तो चलती हूँ, अब जाऊँगी अपना। वेट कुछ तो घटा होगा? हर महीने 1 किलो घट रहा है। हर महीने 1 किलो घट रहा है। मैंने वेट घटाने की कोई दवाई नहीं दी थी। नहीं, दवाई नहीं। खुराक अच्छी ले रही हो? खुराक अच्छी ले रही हो। क्या ले रही हो, लोगों को बता दो जिनको घुटनों की तकलीफ है, क्या खा रही हो? बस सुबह चिल्ला चिल्ला, बेसन का नहीं? हाँ, बेसन का नहीं, लौकी और सूजी का। अच्छा, ठीक है। और शिमला मिर्च उसमें डाल के चिल्ला लेती हूँ, कभी कभी पोहा लेती हूँ, कभी लौकी के आटा गूंद के बस वो एक फुलका ले लेती हूँ, लौकी का आटा गूंद के फूल का। काली मिर्च डालती है उसमें कि नहीं? हाँ, क्योंकि लौकी ठंडी होती है ना, घुटनों का दर्द बढ़ा सकती है। लौकी का बनाओ तो उसमें थोड़ी काली मिर्च या सौंठ मिला लो। काली मिर्च डालती हूँ, बाकी जिन पर दर्द है उनके लिए। दोपहर को एक फुलका बस गोभी मटर और कड़ी, कड़ी तो मैं खाती हूँ, मेरे से बहुत छूटती है। ये गलत बात है मैया, तुम्हारा भगवान मदद कर रहा है जो कड़ी खा के बच गई। तो खाती हूँ, बाकी मैंने जो आपने कहा है सब छोड़ दिया है। नहीं, मटर गोभी, ये देखो कैसी कर रही है मैया, कड़ी खा रही है। कड़ी, कड़ी साल में 1-2 बार छूट होती है कड़ी खाने की, वो भी पनीर के पानी से बनी हुई कड़ी, दही से बनाई हुई कड़ी, वो दही को गर्म नहीं करना होता, तो दही से आप कड़ी भी नहीं बना सकते, तो पनीर के पानी की कड़ी बना सकते हैं। साल में 1-2-4 बार कोई खा ले स्वस्थ व्यक्ति तो चल जाएगा। अन्नकूट वाले दिन भी बनाते हैं, वृंदावन में बनती है वो, ठीक है, लेकिन लिमिटेड, घुटनों के दर्द वाले के लिए अच्छी नहीं है। अब ये बच गई है जो मैया, ये ठीक हो गई, इसका भगवान ने कोई हिसाब किताब क्लियर कर दिया है कि तभी जल्दी ठीक हो गई है, नहीं तो एक कड़ी खाने वाली अभी पकड़ी गई है आज मैया,
कटोरी को मैं कड़ी खाती हूँ, मैं छोड़ कम खाती है हाँ। यानी कि एक कटोरी को मैं अभी खाती हूँ, हर हफ्ते खाती हूँ, हर हफ्ते खाती। देखो कितनी गलत बात है, बस दर्द ठीक है घुटनों में, अब बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। अच्छा अब मैं दवाई बताता हूँ आपको, क्या क्या दवाई दी मैंने मैया को, ताकि आपको पता चल जाए सभी को। जरा माफ़ करना मेरा ये वीडियो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, कोई मेरे पास इसमें इस समय सपोर्ट वगैरह नहीं थी तो मैं सामने रख लेता हूँ। हाँ आपको दिखाई दे रहा है सबको। तो सबसे पहले इनकी तकलीफ़ तो आपने सुन ही ली, इनको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, बहुत कम समय लूँगा आपका, आपका समय कीमती है सबका, वीडियो लंबी हो जाती है। इनको वज़न ज़्यादा था, है अभी भी थोड़ा घट रहा है, एक महीने में 1 किलो। घुटने सूजे हुए थे है ना, अब सूजन है घुटनों में? नहीं अब सूजन नहीं है, घुटने सूजे थे, दर्द था घुटनों में, कितना ज़्यादा दर्द? बहुत ज़्यादा दर्द, चला जाता था? चला नहीं जाता था, चला तो खैर नहीं जाता था। अच्छा तो उसमें पेट में दर्द रहना, मुंह में खट्टा पानी, मुंह को भी ठीक है, खट्टा पानी, मुंह सूखना, बुखार जैसी फीलिंग, गर्मी में गर्मी, सर्दी में सर्दी ज़्यादा लगना, कमजोरी फील होना, मेन तकलीफ ये आई है घुटनों के दर्द के लिए। ठीक है, बवासीर भी खून वाली थी कि बादी थी? नहीं बस खून, तो जब मेरे पेट साफ नहीं होता था कमर की वजह से फिर ब्लड खून आता। अच्छा हाँ, जब ब्लड कभी कभी आता था। ठीक है, इनको दिया हमने रास नादी चूर्ण या क्वाच 100 ग्राम, जो कि हमारे आश्रम से हम बनाते हैं, मुझे नहीं पता बाहर लोग पूरी चीज़ें डाल के बनाते हैं कि नहीं, तो 100 ग्राम चूर्ण वो इन्होंने लेके रखा था, एक चम्मच चूर्ण को, एक गिलास एक चम्मच छोटा चूर्ण शाम को गुनगुने दूध में लेते हैं है ना, गुनगुने दूध के साथ, क्योंकि घुटनों की प्रॉब्लम है ना तो ग्रीस बनानी है, तो उसी चूर्ण को हम चूर्ण की फक्की लेते थे। अच्छा एक चम्मच रासनादी चूर्ण, दोबारा सुनो, उसमें एक चम्मच पोखरमूल का तेल मिला के ये मुंह में रख के ऊपर से दूध पी जाते हैं। कब? शाम को, शाम 5-6 बजे। हाँ ये 5-6 बजे, रात को सोते वक्त भी ले सकते हैं। ये थी घुटनों के दर्द की पहली दवाई। ठीक अब सुन लेना, गिलोय का अर्क 1/4 कप सुबह शाम खाली पेट है ना, ये इन्होंने खाली पेट लिया। और उसके बाद तीसरी औषधि जो थी वो थी, पहला महीना इन्होंने लिया नवरत्न रस 1 गोली, दशमूलारिष्ट 4 चम्मच, पुनर्नवारिष्ट 3 चम्मच, अशोकारिष्ट 3 चम्मच। ये अशोकारिष्ट पुनर्नवारिष्ट इसलिए लगाया था बीच में, वो गर्मी लगना और वो थोड़ा बहुत जैसे सूजन पुनर्नवारिष्ट से उतरती है, दशमूलारिष्ट से भी उतरती है, अशोकारिष्ट थोड़ा ये कोई पीरियड आदि की दिक्कत या कुछ ऐसा महिलाओं की कोई कमजोरी ज़्यादा हो तो देते हैं है ना, पानी आता हो किसी को, अगर मान लो लिकोरिया तो अशोकारिष्ट फिर देते हैं, तो ये हो अब ठीक है वो। हाँ जी ठीक है, ये इन्होंने लिया नवरत्न रस, इसमें मेन था दशमूलारिष्ट और नवरत्न रस, जिनको बाकी तकलीफें नहीं घुटनों की समस्या तो यही ले लो। फिर ये अगले महीने आई तो उन्होंने बोला दर्द थोड़ा इतना बढ़िया ढंग से ठीक नहीं हुआ, पहले नवरत्न रस दिया, तो फिर हमने इनको रूमा रत्न गोल्ड टैबलेट आती है कैप्सूल नहीं टैबलेट, वो दी इनको रूमा रत्न गोल्ड इसी दशमूलारिष्ट के साथ और 2 टाइम। वैश्वानर चूर्ण 1/2 चम्मच लेती रही हैं ये दोपहर को खाने के बाद, छाछ से, छाछ पीती रही हैं भैया, छाछ पीती रही हैं ये वैश्वानर चूर्ण डाल के उसमें, उसमें डाल के गोल, अच्छा फांक लेके, फांक लेती रही हैं, फांक ऐसे फांक लेती रही हैं, तो छाछ मसाला डाल के, छाछ मसाला छाछ में और वैश्वानर 1/2 चम्मच चूर्ण मुँह में और ऊपर से दोपहर को छाछ के साथ खाने के बाद, कितनी देर बाद? 1/2 घंटे बाद खाने के। ठीक है, और इन्होंने मेरी वीडियो वात बैलेंसिंग 5 टिप्स वो फॉलो करी, उसमें मैंने 5 टिप्स दिए हुए हैं, नाक में तेल लगाना, नाभि में लगाना, मुंह में तेल भर के रखना, मल द्वार में तेल लगाना, रात को दूध में, वो दूध में हम घी नहीं देते इनको क्योंकि हम दूध में इनको पोखरमूल का तेल जो दे देते हैं उसमें ये आ गया वो। फिर वात बढ़ता है जिन चीज़ों से, वो चीज़ें नहीं खाना, वो मेरी वीडियो है अलग से, वो मैंने इनको बोला था देखो मास्टर वेट लॉस डाइट फॉलो करो और उसमें थोड़े कच्चे सलाद ना लो क्योंकि वो दर्दों को बढ़ाते हैं, बाकी सब सेम। फुल मखाने खाए, खाए कि नहीं? फुल मखाने खाए कि नहीं? खाए। कितने रोज के? शाम को खाते हैं, कभी दोने झूठ जाते हैं। वैसे रोज कितने फुल मखाने खाए? 8-10 दाने फूल मखाने के खाने होते हैं, सूप के, चाय के साथ, चाय कम ही लो तो अच्छा। चाय छोड़ दी? ये देखो बोल, चाय छोड़ दी, चाय आपकी चाय लेती हूँ, जो आपकी मेरी वाली चाय लेती, बोल रही है आपकी चाय, आपकी नहीं है वो, आनंदम की है।
बेड टी बंद कर दी। हाँ जी, मैंने पहले आते बेड टी छुड़वाई और मैंने बोला तभी इलाज करूँगा, नहीं तो चले जाओ, पैसा वेस्ट ना करो। कच्चा सलाद दही यहाँ लिखा मैंने, इनको बंद कराया था। छाछ लेती हैं ये चूर्ण के साथ, पैसों में बहुत पतली छाछ, वो भी शुरू शुरू में ज़्यादा दर्द हो तो कई बार बंद करवाते हैं। अचार, मैदा, खट्टी चीज़ें, दही, टमाटर बंद किया। हाँ जी सब बंद, टमाटर बंद किया, चाय, गोभी, मटर, चने की दाल, अभी तो मटर बंद की है, अभी तो तुम बोल रहे खा रहे हो भैया मटर नहीं खाए। हाँ ये देखो, कई लोग मुझे बोलते हैं कि आप करके बोला करो, तुम करके ना बोला करो। हाँ। मेरे मुंह से निकलता है ना, आप सुनते हो, मेरे मन से आप निकलता है मेरे गुरु के लिए, बस कृपया माफ़ करना अगर किसी को इसमें लगता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ मैया, तो इस चीज़ को मेरे मन से इस तरह की फीलिंग आती है कि मैं आप या तुम में मेरे को वो नहीं, भेद नहीं फील होता, क्योंकि जो मेरे को अपनत्व फील होता है ना जहाँ, वहाँ तुम ही निकलता है। जहाँ मुझे लगता है इस आदमी को थोड़ा दूर रखना है, थोड़ा वहाँ फिर लगता है आप कहाँ से आए हो, आप क्या खाते हो, वहाँ मैं आप बोलता हूँ। अब प्यार है जिससे, तो फिर वहाँ से मैं आप नहीं बोल पाता हूँ। तो कई लोग नीचे मुझे गाइड करते हैं, उनकी ये अपनी मेरे प्रति प्यार है, वो तो गाइड करते हैं, लेकिन मेरे को ऐसे हो जाता है। आप इस चीज़ को अगर बर्दाश्त कर सकते हैं तो अच्छा है, लेकिन मैं सुधार कर पाऊँगा पूरा ऐसा मैं वादा नहीं करता, कोशिश कर लेता हूँ, लेकिन हो जाता है। जहाँ मुझे लगता है इस आदमी को बहुत ज़्यादा इतना वो नहीं है उसका, वो उसमें भी प्यार होना चाहिए ना, सामने वाले में भी, अपना तो हमारे अंदर तो सबके लिए है। तो सेब, गाय का घी, किसने लिया गाय का घी? पहले तो रात को लेती थी, दूध में थोड़ा सा दूध डाल के आधा चम्मच गाय का घी और एक कप दूध, एक कप दूध में लेती थी पहले। अब दूध किसने घी का? सब्जी आदि में ले लो घी। कितना घी रोज का? आधा चम्मच। आधा चम्मच घी लिया, एक चम्मच, आधा चम्मच घी रोज देसी गाय का ले रही है। हमारे आश्रम में भी उपलब्ध है, लेकिन वो किसी और से हम ले रहे हैं। धीरे धीरे अपनी गौशाला जब आप लोग सब मिलके सेवा करोगे तो फिर मैं करूँगा। हाँ अर्जुन घृत ले रही हैं अभी। हाँ अर्जुन घृत दूध में, हाँ एक चम्मच अर्जुन घृत, ये घुटनों के लिए अच्छा होता है। अर्जुन घृत दूध में रात को ले रही है, साथ में मिस्सी रोटी खाती हैं, सारे अनाज मिक्स करके थोड़ा अदरक लहसुन उसमें डाल देती हैं, थोड़ा ब्राउन राइस लेती हैं, दूसरे राइस मैंने इनके बंद करा दिए थे, ब्राउन राइस को 2 घंटा भिगो लो, उसको बना लो तेज पत्र मोटी इलायची डाल के, ये हो गया। और इनको एक घुटनों के दर्द का तेल दिया था, तेल में कुछ नहीं हो, 3-4 तरह के तेल मिक्स है उसमें, तारपीन का तेल, एरंड का तेल, तिल का तेल, और एक तेल होता है उसमें जैतून का तेल, और थोड़ा बहुत लहसुन का तेल, ये 5 तेल मिक्स करके आप मालिश कर सकते हो, वही तेल है ये मिक्स। फर्क पड़ा? ठीक है। गर्म पानी ठंडे पानी का सेक कराया है ना, एक टाइम तेल मालिश हो जाए, एक टाइम गर्म पानी ठंडे पानी का सेक, इकट्ठा नहीं करना। आप बोलोगे गर्म पानी ठंडे पानी का सेक कैसे करना, मेरी वीडियो है ऑल्टरनेट हाइड्रोथेरेपी, वो एक वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, आप कर लेना। दिन में कब करते थे भैया? नहाने के बाद क्या गर्म पानी ठंडे पानी का? कितनी देर बाद नहाने के? सुबह नहाने के घंटे भर बाद ये गर्म पानी ठंडे पानी का सेक कर लेते हैं, नहीं तो आप चाहो तो नहाने के बाद मालिश कर लो, रात को गर्म पानी ठंडे पानी का सेक कर लो। नहीं मैं तो वो रात को करती हूँ मालिश। मालिश रात को करती है, वैसे उससे अच्छा भी है, गर्माइश मिलती है रात को, है ना। तो सुबह गर्म पानी ठंडे पानी का सेक हो गया, और फिर ये घुटनों के दर्द का ट्रीटमेंट चल रहा है भाई। एक मिनट सुन लो, जो घुटनों के दर्द वाले, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, मुझे पता है आपकी तकलीफें बहुत ज़्यादा हैं, आप कमेंट्स कर रहे हो ये घुटनों के दर्द वाले। फिर ये कितनी देर चली ये सारी दवाई? 5 महीने। पहले वाली ये वाली पर्ची कितनी देर चली थी? ये 3 महीने। ये 3 महीना चली, अब तक की जो दवाई बोली है 3 महीना चली, फिर उसके बाद ये मेरे पास आई। फिर इनको प्रसारण्यादि वटी, जो कि इन्होंने कभी कभी ली, ये गर्म पानी से बोली थी दर्द होने पर। अर्जुन घृत रेगुलर लिया? अर्जुन घृत पहले नहीं लिया था ना, 2 महीने 3 महीने पहले, 3 महीने अर्जुन घृत नहीं लिया था, वो पोखर मूल का तेल चल रहा था उसमें घोल के। अब फिर ये जब आई तो फिर अर्जुन घृत चला दूध में। हाँ ये दर्दें थी यहाँ पे, उसकी वजह से अर्जुन घृत दिया, दर्दें बंद हो गई। बाकी सारी दवाई सेम पिछली है ना, सेम, और इसमें ये 2 चीज़ें ऐड की, और गिलोय का अर्क चलाती रही है, पीती रही। ये दशमूलारिष्ट, पूनानवारिष्ट, अशोकारिष्ट लेती रही, वो इनको थोड़ा सफ़ेद दाग और ये सफ़ेद पानी और ये सब थोड़ा सूजन वगैरह उतारने के लिए दिया था। दशमूलारिष्ट, पूनानवारिष्ट, अशोकारिष्ट, 3-3 चम्मच तीनों के, छाछ मसाला और ये सब आपने देख लिया ट्रीटमेंट सारा। घुटनों के दर्द इनकी ठीक है, अब आपको मैंने बता दिया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ लोगों को क्या कहना चाहती हूँ मैं, तो
आयुर्वेद से ठीक होता है, कि जब ठीक हो जाओ उसके बाद ये नहीं होता कि फिर दोबारा वही जीवन चल। शांत सी, आप 5 महीने में ठीक हो तो मैं तो कहती हूँ कि मेरे लिए तो आप भगवान। अब एक बार वर्ल्ड टूर करके आओ, ठीक है? वर्ल्ड टूर कर रहे हो एक बार? तो मैं बहुत करती हूँ, आप भी जाऊंगी। अच्छा, कहाँ जाओगी? अमृतसर जाऊंगी, गुरुद्वारे में चल के जाऊंगी। पहले पिछली बार बच्चे को ले गए थे व्हीलचेयर पे, आज मैंने कहा पैदल ही जाऊंगी। पैदल जाओ, एक्सरसाइज पूरी करना, दबा के। हाँ, दबा के कर रही हूँ। हाँ, दबा के एक्सरसाइज करना। 15-20 मिनट तो इतना ज्यादा नहीं मैं कर पाती, बाकी वैसे मैं करती हूँ। ठीक है, 15-20 मिनट तो कुछ भी नहीं होता, कर बढ़ाओ थोड़ी एक्सरसाइज। हाँ जी, बढ़ाओ। हाँ, प्राणायाम, घुटनों के व्यायाम। मैं जल्दी ही आप सबको बना के घुटनों की जो एक्सरसाइज की वीडियो है वो दूंगा। चलो, हंस के दिखा दो भैया। हाँ जी, बहुत हंस के। चलो।